अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही अमेजिंग सा व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद मैं जो हूँ वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज जो है हमारी किचन में बन रहे हैं मूली के पराठे और बढ़िया हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना रही हैं अम्मी। और ये देखें जी, बहुत ही मज़े की चाय बन रही है और नाश्ता करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो बहुत ही बिजी डे है आज, क्योंकि आज जो है मैं करने वाली हूँ कुछ खास। सो ये देखें, बहुत ही यमी सा हमारा मूली का पराठा जो है वो तैयार है और हम जो है वो नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि आज हम जो है वो जार की सफ़ाई करेंगे और इनका पानी वगैरह चेंज करेंगे। और ये जो हमारी फ़िश है, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में जो हमने अपलोड किया था और हम लेकर आए थे, तो हमने कहा था कि हम इसका कोई नाम रखेंगे, तो हमने जो है इसका नाम रखा है चुलबुली। सो फ्रेंड, यकीनन आप समझ के होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं जी पेंट। और ये देखिए, मैं मार्केट से कलर लेकर आई हूँ और हम मार्केट गए थे तो हमने सोचा था कि जो हमारे पास पहले से पेंट हुए हैं उन्हीं को फ्रेश करेंगे और सेम वही कलर लेकर आएंगे। लेकिन फिर आदिल कहने लगे, नहीं यार हम बोर हो गए ये देख देख कर, ज़्यादा हमारे पास रेड और वाइट थे। तो आज जो है हम डिफरेंट कलर लेकर आए हैं, जैसे पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल और डिफरेंट कलर के जो है वो हम गमले पॉट वगैरह जो है वो पेंट करेंगे। और यहाँ देखिए जी, मैंने ग्लव्स ले लिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से पेंटिंग करूँगी और खूबसूरत से हम जो है वो पेंट करेंगे। सो फ्रेंड, ये देखें जी, मैं करने वाली हूँ स्टार्ट पेंट। और जो काफ़ी सारे हमारे पास गमले ऐसे भी थे जो पेंट बिल्कुल किए ही नहीं थे हमने, और ऐसे ही हमने उसमें प्लांट्स जो हैं वो लगा के रख लिए थे। और अब हम सबसे पहले तो मैं उनको पेंट करूँगी और उसके बाद जो पुराने हैं उनको फ्रेश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने वाइट कलर जो है वो पेंट किया है, एक कोट इसका करेंगे सारे गमलों पर वाइट कलर का। और उसके बाद जो है इस पर आप कोई भी कलर करेंगे तो वो सेम परफेक्ट कलर आएगा उस, मतलब अगर आप पेंट वाइट नहीं करते और ड्रैक मैं इस पर पिंक या येलो ब्लू कलर पेंट करती हूँ तो वो जो है वो परफेक्ट कलर नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी का कलर जो है वो चेंज कर देता है कलर को। लेकिन वाइट, इसका एक कोट वाइट होने के बाद जो इस पर पेंट होगा तो सेम परफेक्ट कलर आएगा। और यहाँ देखिए, मैं सारे जो है वो वाइट कलर से एक दफ़ा इनको पेंट कर दूँगी। अच्छा, काफ़ी मुश्किल होता है अगर प्लांट लगा हुआ तो उसको पकड़ के पेंट करना, खाली पॉट जो है वो थोड़ा आसानी से हो जाता है पेंट। तो यहाँ देखे, मैंने सारे जो मेरे पास पड़े हुए थे गमले पुराने नए सब पर मैंने एक कोट वाइट का किया है। और अब इसके ड्राई होने के बाद जो है मैं नेक्स्ट कलर इस पर अप्लाई करूँगी। तो अब हम इसको ड्राई होने देंगे, मैंने सब पर कर दिया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं इस जो है वो स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और देखें जी, नेक्स्ट डे है और सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे हैं और मैं आई हूँ छत पर अपना पेंट जो है वो कंप्लीट करने। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी सुबह का जो टाइम था और सूरज जो है वो ढलू हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखें जी, मैं ग्लव्स वगैरह पहन के, स्वेटर पहन कर आई हूँ छत पर। तो चलें हम अपना जो अनकम्प्लीट काम है उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखें जी, सारा बिल्कुल ड्राई हो चुका था, स्टार्ट मैंने कर लिया। और ये देखिए जी, कुछ को मैंने ब्लू कलर और पिंक, येलो, इस तरह से हम बनाएंगे, इन सब पे डिज़ाइनिंग करेंगे अपने पसंद के। आप कोई भी कलर जो है इस पे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो फुल पर करें या हाफ पर करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बहुत इजीली जो है अपने घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में। और यहाँ
यहाँ देखें जी, मैंने जो है वो इस तरह से इनको पेंट किया है और इस तरह से फेसेस जो है मैंने बनाए हैं स्माइली के, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे और इंजॉय भी करेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। अपने छत पर या गार्डन में आप इसको पेंट करके रखें। और यहाँ देखें जी, कुछ स्माइली हैं मेरे बच्चों ने फरमाइश करके बनवाई हैं कि मामा ये वाली पेंट करें, ये वाली पेंट करें। इन्होंने पिक्चर्स जो हैं वो मोबाइल में रखी हुई थी, और वहाँ से फिर इन्होंने मुझे दिखाया कि मामा हमें ये वाला पेंट चाहिए, हमें कैटी पेंट करके दें, या फिर हमें जो है वो इस तरह की स्माइली येलो वाली आँख मारने वाली, या फिर ये आगे पीछे सारी जो करके मैंने की हैं और जो मैंने खुद पेंट की है और जो मेरी भी फेवरेट है और आदिल को सबसे ज़्यादा जो पसंद आई वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी है। और यहाँ देखें जी, कुछ तो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और ये देखें इसका फाइनल लुक। ऊपर बॉर्डर जो है मैंने वाइट कलर एक कोट और जो है वो पेंट किया था, और ये अनाया की फरमाइश पे बनी है येलो वाली, और ये जो है ये मैंने खुद बनाई है पिंक, और ये भी अनाया की फरमाइश पर बनी है, और ये जो है ये भी मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लास्ट में आके थोड़ा सा जो है से खिचड़ी सा बन जाता है। तो ये जो है इस पर मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, आप देखें क्या बनता है और क्या नहीं बनता, जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो बनता भी है या नहीं। सो फ्रेंड देखें, जो कम्प्लीट हो गए तो यहाँ मैंने उनको साइड पर रखा है, और ताकि थोड़ा मेरे दिल को हौसला हो जाए, क्योंकि इतने सारा गमले वगैरह देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं किस तरह से इनको पेंट करूँगी। जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मैं कर लिया, थोड़े से जो है वो रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद जब एक चीज़ आपके सामने आती है और बड़ी खूबसूरत सी लगती है तो वो सारी थकावट वगैरह सारी जो है वो ख़त्म हो जाती है अपने। यहाँ ये देखें आप, ये बहुत ही पुराने जो है वो गमले थे, इनको मैं निकालना चाहती थी, लेकिन देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं पेंट होने के बाद। और यहाँ देखें, यहाँ भी ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, साइड पर मैंने इनको रखा, सफाई वगैरह कर दी है, और इंशाल्लाह जो रह गए वो बाद में करेंगे। आई होप आपको भी मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।